सोमवार सुबह महाराष्ट्र के नासिक, धुले और नंदुरबार में उस समय हड़कंप मच गया जब इनकम टैक्स विभाग की अलग अलग टीमों ने नासिक, धुले और नंदुरबार के करीब 31 अलग अलग ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग की इस छापेमारी में 240 करोड़ तक की प्रॉपर्टी और कैश बरामद हुए हैं। जमीन खरीदने से लेकर बेचने का धंधा करने वाले व्यापारी, सरकारी ठेकेदार और बिल्डर आयकर विभाग के निशाने पर है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से अलग अलग ठिकानों में आईटी विभाग और ईडी की ओर से लगातार छापेमारियां शुरू है। इन छापेमारियों में कुछ बड़ी मछलियां भी पकड़ी गई है। इसी सिलसिले में उत्तर महाराष्ट्र के कई इलाकों में आयकर विभाग की छापेमारियां शुरू है। सोमवार सुबह हुई छापेमारी इस तरह ताबड़तोड़ और अचानक हुई कि किसी को कुछ हवा भी नहीं लगी और भूमाफियाओं, भ्रष्ट ठेकेदारों और बिल्डरों की हवा टाइट हो गई। जब कैश, आभूषण और संपत्तियों के कागजात निकलने शुरू हुए तो निकलते ही गए। संबंधित लोग इन खजानों का कोई संतोषजनक हिसाब नहीं दे पा रहे थे, बस वे सिर नीचे करके बैठे रहे और अधिकारी अपना काम करते रहे। प्राप्त जानकारियों के मुताबिक इन छापेमारियों में सोने के बिस्कुट, हीरे जवाहरात बरामद हुए हैं। इन कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए एक साथ 22 गाड़ियां की सेवाएं ली गई और 174 कर्मचारी और अधिकारियों ने मिलकर अलग अलग ठिकानों पर छापेमारियों को अंजाम दिया। ये सभी अधिकारी छोटी मोटी टीम बनाकर अलग अलग ठिकानों पर पहुंचे और रेड्स को अंजाम दिया गया। छोटी छोटी टुकड़ियों में अधिकारियों के बटे होने की वजह से एक ही समय में कई जगहों में छापेमारियों को अंजाम दिया जा सका। अधिकारियों की टीम के साथ पुलिस दस्ते मौजूद थे और तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था साथ रही।